नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। एक बार फिर से आपके लिए लेकर आए हैं एक बहुत ही शक्तिशाली टोटका, शत्रु दमन दुश्मन नाशक मंत्र। ये टोटका इतना पावरफुल है कि आपका शत्रु आपकी आंखों के सामने देखते देखते आपकी आंखों के सामने समाप्त हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, उसका दमन हो जाएगा। क्या कोई ऐसा आपका शत्रु है जिसकी वजह से आप बिल्कुल परेशान रहते हैं, या उसने आपकी रातों की नींद उड़ा रखी है, उसकी वजह से आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं? तो आप इस वीडियो को अंत तक देखें। इसमें मैं आपको बताऊंगा दुश्मन नाशक मंत्र, और यह टोटका करने के बाद में मित्रों आपका दुश्मन बिल्कुल से नष्ट हो जाएगा, बिल्कुल से नष्ट नाबूद हो जाएगा। तो टोटका जानने से पहले हमारे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करें और टोटका जानें। इसमें आपको सबसे पहले करना ये है कि एक पीपल के पेड़ का पत्ता वो लेना है, और एक जो मार्कर पेन होता है वो आपको लाल कलर में वो लेना है, और एक आपको कपूर की टिकिया वो लेनी है। ये सब लेकर आप एक ऐसी जगह चले जाएं जहाँ पे बिल्कुल से शांत वातावरण हो और कोई ना हो पास में। वहां पे आसन लगाकर आप बैठ जाएं, और आपको एक मंत्र दिया जाएगा। मंत्र आपको स्क्रीन पर मिलेगा, या मंत्र आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन में से ले सकते हैं। और ये टोटका आपको सिर्फ और सिर्फ शनिवार या मंगलवार की रात्रि को ही करना है, रात्रि 10 बजे के बाद में। तो सबसे पहले आप मंगलवार या शनिवार की रात को एक अलग स्थान पर चले जाएं जहां पे आपके अलावा कोई और ना हो। फिर आप वो पीपल के पेड़ का पत्ता है उसके ऊपर मार्कर पेन से ये मंत्र है ये आप लिखें, सावधानी से लिखें, और मंत्र के चारों तरफ अपने दुश्मन का नाम लिखें। नाम लिखने के बाद में ये पत्ता आप अपने जेब में मोड़कर एक घंटे तक रखें। एक घंटे तक रखने के बाद में इस पत्ते को आप कपूर की टिकिया के साथ वहीं पर जला दें। जिस स्थान पर आपने ये टोटका शुरू किया था उसी स्थान पर आप इसको जला दें। ये पूरा जलने के बाद में इसकी जो राख बचती है, जो भस्म बचती है, उसको आप एक कागज में इकट्ठा कर लें। इकट्ठा कर उस भस्म को आप किसी पेड़ के नीचे किसी मट्टी में इसको दबा लें। दबाने के बाद में आप चुपचाप वहां से चले आए, और सिर्फ 24 घंटे के अंदर आपका दुश्मन आपके सामने घुटने टेके हुए खड़े रहेगा। आपको विश्वास नहीं होगा कि जिस व्यक्ति के कारण आपकी जिंदगी बर्बाद सी हो गई थी, वो व्यक्ति आपके सामने हाथ बांधे हुए घुटनों के बल खड़ा है। आप यकीन मानिए, ये टोटका आप करके देखिए। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आए तो आप हमारे गुरुजी से फोन करके ये टोटका आप दोबारा जान सकते हैं, या फिर भी समझ में नहीं आए तो आप इस वीडियो को एक से दो बार भी देख सकते हैं। इतनी जानकारी के लिए धन्यवाद। आशा करता हूं आप ये टोटका जरूर करके देखेंगे। जय माता दी।